हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही टेस्टी और यमी कैरेट और सूजी के लड्डू, क्योंकि फेस्टिवल्स का सीज़न अभी शुरू होने वाला है। तो ये यमी सी रेसिपी हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 1 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। इस कटोरी से मैं 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। सूजी को हम थोड़ा भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। सूजी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसकी महक आने तक हमें इसे भून लेना है। सूजी अब अच्छी तरह भून चुकी है, इसे मैं प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। अभी पैन में मैं 1 टेबलस्पून घी और गरम कर रही हूँ। इसमें मैं 2 गाजरों को मैंने बॉईल करके इसकी प्यूरी बना ली है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका मॉइस्चर नहीं निकल जाता। गाजर की प्यूरी भी अच्छी तरह भून चुकी है। इसमें अब भुना हुआ रवा ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, इन सबको अभी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मीडियम हीट पे। यहाँ पर मैंने 2-4 केसर के रेशों को 1 टेबलस्पून दूध में ऐसे भिगा के रखा था, वो भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ, तो टोटली हमने 3 टेबलस्पून घी लिया है। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे जब तक इसका बॉल फॉर्म नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी दूध ऐड कर रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने सूजी और बाकी की चीज़ें ली है उसका 1/2 कटोरी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने हरी इलायची को थोड़े से 1 टेबलस्पून चीनी के साथ पीस लिया है, तो इसका 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कटा बादाम और पिस्ता, आप कौन से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के। मिक्सर अब अच्छी तरह एक साथ आ चुका है, इसे मैं प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। अभी इसके हम छोटे छोटे मीडियम साइज़ के लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो कौन से भी शेप के बना सकते हैं, बड़े छोटे जैसे आपको पसंद हो। इस पे मैं थोड़े से पिस्ता के कटे पीसेस लगा दूंगी। 1/2 को मैं ऐसे पिस्ता से गार्निश कर दूंगी और बाकी के लड्डू को मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर में ऐसे कोट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने करीब 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया, तो बाकी के लड्डू को हम ऐसे कोट कर लेंगे। ये हमारे गाजर और सूजी के लड्डू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी लगते हैं ये खाने में। आई एम श्योर इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी आने वाले फेस्टिवल्स में ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी मज़ेदार यमी टेस्टी रेसिपीज हम आगे भी लाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।